हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेकोरेटी टाइल्स एंड मार्वल डिज़ाइन यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हमने आपको बॉर्डर डिज़ाइन दिखाना है, ये कैसे बनेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जितने भी कलर हैं जैसे कि ये वाइट, ब्लैक और येल्लो, तो इनके हमने जो इनकी जो लंबाई है वो कैसे काटें। तो जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर है, इसको हमने लंबाई कटिंग करनी है। और सेम इसी तरह हमने ये कटिंग किया हुआ है और सेम इसी तरह ये वाइट पीस कटिंग किया हुआ है। तो इसको भी हमने जो येलो पीस है इसको हमने सेंटर में लाना है। और जैसे कि ये हमने फर्मा बनाया हुआ है, ये फर्मा हमने कैसे बनाया है, जैसे कि ये स्क्वायर, जैसे कि ये 10 सेंटीमीटर है और इनटू 10 सेंटीमीटर है, तो इसको अभी हमने यहाँ से हाफ किया है। जैसे कि मतलब कोई भी टाइल आप लेते हो या कोई भी चीज़ लेते हो तो उसको सेंटर से हाफ कर दो। जैसे कि यहाँ से ये सेंटर से हमने हाफ करना है और उसके बाद जैसे कि हमने फर्मा बनाया हुआ है तो इसको हमने यहाँ पर रखकर इनके जो कॉर्नर हैं वो सभी कटिंग करने हैं। तो जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो ये सेम हमने कटिंग किया हुआ है और इसी तरह हम कटिंग करेंगे। तो से कटिंग किया है और अभी हमने दोस्तों जैसे कि अभी ये सेंटर का जो पीस है इसको हमने कैसे कटिंग करना है। जैसे कि अभी हमने 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई कटिंग की है और उसके बाद हमने इसकी जो लंबाई है वो कटिंग करनी है। तो लंबाई इसकी 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हमने 7 सेंटीमीटर पर निशान लगाया है और उसके बाद इसकी हमने कटिंग करनी है। ये कटिंग हमने जैसे कि ये यहाँ पर लगाया हुआ है, ये पीस हमने कटिंग किया हुआ है और उसके बाद हमने जो ये वाइट पीस है सेम इसी तरह कटिंग करना है। ये भी सेम इसी तरह 7 सेंटीमीटर कटिंग करना है। जैसे कि ये हमने कटिंग किया हुआ है तो इसी तरह ये हमारा पीस यहाँ पर आएगा। तो ये जैसे ये दो तो हमने कटिंग किया हुआ है और ये जैसे ये ब्लैक कलर का पीस है इसको भी हमने सेम इसी तरह कॉर्नर से कटिंग करना है। इसको भी हमने जैसे कि यहाँ कटिंग किया हुआ है और इसकी जो जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर छोटी कटिंग है और ये भी 5 सेंटीमीटर है और सेम इसी तरह। तो ये जिस तरह का भी आपने देखना है ये 19 सेंटीमीटर हो गया है और इसको हमने यहाँ से निशान लगा कर इसको भी सेम कटिंग करना है। इसी तरह हमने ये यहाँ पर लगाना है और उसके बाद जो हमने व्हाइट कलर का पीस कटिंग किया है इसको यहाँ पर लगाना है और ये येलो कलर का इधर लगाना है। और ये व्हाइट कलर का यहाँ पर लगाना है। तो इस तरीके से हमारा ये डिजाइन ऐसे बनता जाएगा। आप इसको किचन, टॉयलेट, बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं और इसको डोरमेट में भी आप यूज़ कर सकते हो और बॉर्डर डिज़ाइन आप इसको बना सकते हो। तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और कमेंट में हमें बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।